नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत दोस्तों। और आज 11 मार्च 2024 को फिर से TPI का एक बड़ा आदेश है दोस्तों, जिसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अतिथि शिक्षकों की जानकारी प्रेषित करना आवश्यक। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए। ऐसे अतिथि शिक्षक जो शॉर्ट टर्म यानी कि दोस्तों बाद में आमंत्रित किए गए थे, बाद में जो पद रिक्त होने के कारण जो है DPI के स्कूलों में अगर कार्यरत हैं, जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा दोस्तों, पेमेंट नहीं मिल रहा कई दिनों से क्योंकि ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होने के कारण, ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी जो सुखद खबर दोस्तों, इसमें संचालनालय का पत्र 29 सितंबर 2023 का संलग्न किया गया है और बोला गया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यालयों में शिक्षकों के अवकाश या अन्य कारणों से उपस्थित नहीं होने से शॉर्ट टर्म रिक्तियों के विरुद्ध जो आमंत्रित अतिथि शिक्षक हैं उनकी जानकारी चाही गई थी, जिसके द्वारा जो जिसमें संकुल प्रचार द्वारा GFS पोर्टल पर शॉर्ट टर्म रिक्तियों के विरुद्ध रिक्वेस्ट प्रेषित की गई एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित भी किया गया। ऐसे शॉर्ट टर्म रिक्तियों के विरुद्ध यदि अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है तो उनकी जानकारी संलग्न प्रपत्रानुसार लिंक दी गई दोस्तों, इस लिंक पर गूगल शीट में दर्ज कर हस्ताक्षरित कॉपी अपलोड कर ईमेल भी करें। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में DO यानी जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ संकुल प्रचारों से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि संकुल अंतर्गत किसी भी शॉर्ट टर्म रिक्ति में आमंत्रित अतिथि शिक्षक की पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज हेतु कोई भी प्रकरण शेष नहीं है। यानी दोस्तों आप अपने अपने संकुल से जो है अपना नाम भेजा दें शॉर्ट टर्म वैकेंसी के लिए और जिला शिक्षा अधिकारी संचालनालय को इस आशय प्रमाण पत्र प्रेषित करें कि जिले के अंतर्गत शॉर्ट टर्म रिक्तियों से संबंधित कोई भी प्रकरण शेष नहीं, उपरोक्त जानकारी 5 दिवस में दर्ज करना सुनिश्चित करें। तो सभी अतिथि शिक्षक मतलब वो सभी जो शॉर्ट टर्म के अंतर्गत जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है पोर्टल पर, बाद में जो है DPI के स्कूल में कार्यरत हैं, ऐसे लोग फटाफट इस जो है अपने संकुल प्रचार के द्वारा ये जो लिंक दी गई इसके माध्यम से प्रपत्र को भरवा करके अपनी जानकारी प्रेषित करवा दें, ताकि जो है आपकी ज्वाइनिंग ऑनलाइन ज्वाइनिंग भोपाल से हो जाए और आपको वेतनमान भी मिल सके। दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट अभी का है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें ताकि प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, अगला अपडेट अगले वीडियो में। और अगर आप हमसे नहीं जुड़े तो चैनल के नीचे सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए भी आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।